क्या गाइस, आपके भी जो फायरबर्ड की स्मार्ट वॉच है यहाँ पे खराब हो चुकी है, वो भी अंडर वारंटी में है 1 साल के, तो आप इसे घर बैठे कैसे रिप्लेसमेंट कर सकते हो और यहाँ पे आपको नया प्रोडक्ट भी मिल जाता है। तो मैंने कैसे किया था, आप कैसे कर सकते हो, तो इस वीडियो में हमने ऑल प्रोसेस किया है। तो मेक श्योर गाइस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे पैकेट मिल जाता है और आप इसे बिल और अमाउंट के बारे में देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको 0-0 मिलता है, मतलब इसे मैंने एक्चुअल में यहाँ पे रिप्लेसमेंट करवाया। यहाँ पे मैंने किसी भी तरह का यहाँ पे नहीं किया है कंपनी को, यहाँ पे मुझे वारंटी क्लेम में ये प्रोडक्ट मिला है। तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि आपको ये कैसे करना है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। कुछ इस प्रकार से कार्ड आपको यहाँ पे बॉक्स में मिल जाते हैं, आपके हर बॉक्स में आपको ये मिल जाएगा फायरबर्ड का वारंटी का कार्ड, इसे आप बोल सकते हो। फायरबर्ड का वारंटी कार्ड आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, वारंटी रजिस्ट्रेशन, ये स्कैनर आपको यहाँ पे स्कैन करके आपको ये डायरेक्टली वेबसाइट पे चले जाएगा। आपको सिर्फ फॉर्म फिल करना है। अगर आपको स्कैनिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं आप यहाँ पे दिखा दूँ आपको कैसे करना है। आपको गूगल में आने के बाद फायरबर्ड सर्च कर देना है। फायरबर्ड सर्च करने के बाद इनका जो वेबसाइट मिलेगा आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाके क्लिक करना है। यहाँ पे वेबसाइट तो लोड हो चुकी है। वेबसाइट लोड होने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना है। सबसे नीचे आपको चले जाना है, लास्ट में बॉटम में। तो यहाँ पे आपको ना एक ऑप्शन मिल जाएगा अबाउट का, अबाउट बोल्ड करके एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप अबाउट बोल्ड आने के बाद यहाँ पे वारंटी पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस प्रकार सा फॉर्म आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको नेम डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देना है, मोबाइल नंबर, चैनल ऑफ प्रपोजल जहाँ से आपने बाय किया था, अमेजॉन फ्लिपकार्ट उदय से, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट चूज कर लेना है, जिस भी रहेगा वो मॉडल नंबर वो सब यहाँ पे चूज कर लेना है। सब फॉर्म भरने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हो आपके सामने और एक यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सेम आपका जो यूजर आईडी यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे आपको ऑर्डर आईडी डाल देना है, डेट ऑफ परचेज जब यहाँ पे आपने परचेस किया था, और यहाँ पे इनका जो जहाँ से आपने परचेस किया था वहाँ पे आपको इनको रेटिंग दे देनी है, और यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट निकाल के यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। तो आपको यहाँ पे बाद में इनका जो प्रोडक्ट रिव्यू आपने किया था यहाँ पे अपलोड करके यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। तो आप सबमिट करते हो तो आपको कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे वारंटी रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाती है। तो मतलब आप समझ लेना आपका यहाँ पे वारंटी रजिस्ट्रेशन हो गया। तो अगर आपको कुछ एरर वगैरह आते हैं तो आपको यहाँ पे फिर से फिल करना है। तो हमने यहाँ पे जो फायरबर्ड की स्मार्ट वॉच की वारंटी रजिस्ट्रेशन कर लिया प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ पे हमें क्लेम करना है। तो क्लेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे आपको गूगल में आने के बाद फायरबर्ड आपको सर्च कर देना है। फायरबर्ड सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहेगा वारंटी एंड सपोर्ट करके, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। वारंटी एंड सपोर्ट आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे पूरे तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सर्विस सेंटर मिल जाएंगे। अगर आपके आजू बाजू में कहीं सर्विस सेंटर होगा तो सबसे बेस्ट तरीका वही होने वाला है, आपको फटाफट से रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। अगर आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है इनके जो सर्विस सेंटर है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रजिस्टर कंप्लीट कर सकते हो। तो रजिस्टर कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे सब डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से भर देने, जैसे ईमेल आईडी हो गया, आपका नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर, यहाँ पे अल्टरनेटिव नंबर डाल देना, मतलब अगर आपका बंद होगा तो यहाँ पे आप दूसरा डाल सकते हो। तो यहाँ पे आपने कहाँ से परचेस किया था, जहाँ से भी आपने किया हो वहाँ पे सिलेक्ट कर देना। क्या इशू आ रहा है वॉच के अंदर, बैटरी इशू, आप यहाँ पे कुछ भी इशू डाल सकते हो अगर जैसे होगा तो। और यहाँ पे आपकी जो वॉच के बारे में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, मतलब प्रॉपर, मतलब कैसे काम नहीं कर रहे वॉच आपका, ये सब आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी भी डाल देनी है, कितनी क्वांटिटी थी, कंप्लीट एड्रेस डाल देना है, यहाँ पे आपको नियरलेस्ट, यहाँ पे लैंडमार्क भी डाल देना है, यहाँ पे सिटी का नेम डाल देना है, पिन कोड वगैरह ये सब डालने के बाद आपको नीचे आई एम नॉट रोबोट पे आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो आप जैसे ही सबमिट करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मेल आ जाता है। तो आप इस मेल को आप पढ़ सकते हो, मतलब ये लोग क्या बोलेंगे आपको, यहाँ पे बोलेंगे कि हमें एक्चुअल में प्रोडक्ट दिखाना कि आपके पास एक्चुअल में प्रोडक्ट है क्या। तो इसका 20 MB का कुछ वीडियो या फिर फोटो आपको यहाँ पे निकाल के उनको भेज देना है टीम को। तो ये लोग वेरीफाई करेंगे क्या ये मॉडल नंबर और वॉच मैच करती है एक दूसरे के साथ। तो अगर ये मैच करती होगी तो आपको 3 से 4 दिनों के अंदर यहाँ पे पिकअप अरेंज कर देते हैं। तो पिकअप अरेंज करने के बाद मतलब ये कुरियर वाला आता लड़का, वो आपके पार्सल लेके जाता है यहाँ से। पार्सल लेके जाने के बाद ये डायरेक्ट नोएडा या फिर जहाँ भी इनका सर्विस सेंटर होगा वहाँ चले जाता है। तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे ना कम से कम 2-3 हफ्तों का टाइम तो लगने वाला है, ये रिपेयर होगा फिर यहाँ पे इनका जो बन के आपको यहाँ पे घर पे डिलीवर हो जाएगा। तो चलिए हमें डिलीवर कैसे हुआ ये भी आपको यहाँ पे दिखा देते हो कुछ। तो हम अभी इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे कि आप अगर यहाँ पे आप वारंटी क्लेम करते हो तो आपको किस प्रकार का यहाँ पे वॉच मिल जाता है। तो मैंने इसे ओपन करके देख लिया था, बट आपके सामने मैं फिर से यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। तो मेरा फायरबर्ड निंजा कॉल प्रो प्लस था, तो मतलब एकदम पेटी पैक मिल चुका है मुझे, जैसे मैंने खरीदा था वैसे। पूरी तरीके से यहाँ पे मेंशन किया है क्या क्या इनके सब जो हाईलाइट फीचर्स थे सब। तो ये मेरी वॉच है जैसी थी वैसी। यहाँ पे देखो ये जो पेपर लगा हुआ था पहले बार जो वॉच में रहता है, ये भी ऐसे सेम है और ये पूरी तरीके से वर्किंग कंडीशन में गए, आप इसे बोल सकते हो। यहाँ पे मैं अभी हटा देता हूँ और इसके अंदर आपको ऑल एक्सेसरीज मिल जाती है, जैसे बोले जाए तो जैसे आपके पोको पिन वाला चार्जिंग मिल जाता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं जैसे आप पढ़ के इसे ये कर सकते हो,
और यहाँ पे वारंटी कार्ड तो मिलता ही है, और यहाँ पे जो इनके क्लेम्स वाले रहते हैं ना, रिवॉर्डिंग सिस्टम, ये सब भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो गाइज फायरबर्ड की सर्विस मुझे काफी अच्छी लगी, अदर्स ब्रांड यहाँ पे आपको घर बैठे सब रिप्लेसमेंट भी मिल जाता है। अगर गाइज यहाँ तक आप वीडियो देखते आ चुका है तो वीडियो को लाइक कर देना होपफुली। अगर वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको कुछ इशू भी आ रहा है तो हम इसे रिसॉल्व करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। सो टेक केयर, गुड बाय, सी यू।